हम चला रहे हैं उसमें, तो अभी तीन, अभी हमें दो बच्चे और एक एडल्ट की अभी हमें तलाश है, और उसके लिए हमने आज 14 टीम्स उसमें लगी थी, जिसमें SDRF, NDRF, आर्मी की और हमारे रिवर पुलिस की, ये सबने जो है इसमें शामिल है। अभी हम उसमें सक्सेस नहीं पा पाए हैं, तो अभी शाम को भी चलेगा और जब कल ही सुबह से फिर से स्टार्ट होगा, और अभी भी शाम को भी चलेगा, पूरी रात में भी चलेगा। तो जब तक हमें नहीं मिलते हैं तब तक सर कोई अनफिशियली भी अनाउंस हुआ है इसमें? हाँ, माननीय जी साहब इसको मॉनिटर कर रहे थे और उनकी तरफ से 5 लाख रुपए डिसीज को और जो इंजर्ड है उनको 50,000 रुपये जो है उनको एक्सक्रीशन रिलीव जो है दिया गया है। सर कोई इंक्वायरी हो जाएगी क्योंकि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, लैप्स कहाँ पे थे? देखिए, इसमें हमने ये क्रॉस चेक किया है, जैसा जिस ब्रिज की बात बताई जा रही है, तो उस ब्रिज में ऑलरेडी काम चल रहा है। पहले उस ब्रिज को जो सेंक्शन किया था कोई 1.8 मीटर का था स्पैन उसका, फिर बाद में जो बताया गया है कि लोगों की डिमांड थी कि इसको बड़ा किया जाए, तो उसको फिर बीच में रोक के फिर इसको बड़ा किया गया है। तो लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है, और मैं अभी फील्ड से जब होके आया हूँ तो लोगों ने बताया है कि जो बाकी के कुछ आगे के जो पिलर हैं वो भी हाल ही में लगे हैं, और ये जून इस साल की जून तक, मतलब 30 जून तक इसको कम्प्लीट करने का ऑलरेडी डेट दिया है। सर बहुत सी जगह जहलम पे जो है ना ट्रांसपोर्ट चल रहा है बोट के थ्रू, क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजर? हाँ, इसके लिए आपने सही कहा, क्योंकि ये हिस्टोरिकली देखिए यहाँ पे ये चलते रहे हैं, ट्रेडिशनली ये चलाते हैं। आज जब मैं इसे बात भी कर रहा था कि क्या इससे पहले भी कोई ऐसा इंसिडेंट है, तो लोगों ने बताया कि अपने आप में एक्सेप्शन जो हुआ, ऐसे इंसिडेंट आगे फ्यूचर में ना हो, उसके लिए हमने एक कमेटी इंटर डिपार्टमेंट जो बनाई है जो इसका लीगल फ्रेमवर्क भी देखेगी। और देखिए, बहुत आसान है कहना कि साहब आप बंद कर दीजिए, अब से आप नहीं चलने देंगे, बट वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लोगों को जब जिलों के आसपास जाना है तो ऐसे इंसिडेंट ना हो, तो ऐसी जो लोकेशंस है वो हमने आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें बोला है, प्लस 4 ऐसे ब्रिज जो मुझे अभी पता है, आपने जो भी देखा है आपने पाठा चौक वाला है वो भी जून तक जो है उसको कम्प्लीट करने का है, इसके अलावा सिंबल में है, वंदामा में है, और भी इसके अलावा और लोकेशन है, सभी DCs को हमने बोला है कि आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से प्रैक्टिकली, ताकि लोगों को भी सहूलियत रहे और ऐसे कभी इंसिडेंट भी ना हो, इन दोनों को ध्यान में रखें। थैंक यू सर।